नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट अपडेट बताने के लिए आपके सामने मुखातिब हूँ। साथियों, जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि हैदराबाद के अंदर नामापल्ली सेशंस कोर्ट में टोटल 4 मामले थे जिसमें बेल का मामला चल रहा था, उसमें से सबसे पहले 2 मामलों में बेल हो गई थी, डिफ़ॉल्ट बेल हुई थी, और जो तीसरा मामला था उसमें 78 डेज हुए थे, इसके लिए उसमें बेल पटिशन उस समय नहीं डाली जा सकी थी, और जैसे ही 90 डेज पूरा हुआ उसमें बेल पटिशन पे आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद उसमें डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई थी। लेकिन साथियों, इसी तरीके से चौथा मामला भी पेंडिंग था जो कि CCS का केस नंबर 53/2019 था, जिसपे आज सेशंस कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहस हुई है, और बहस के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कल का समय मांगा है और आर्ग्यूमेंट के लिए, यानी कि कल जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहस पूरी हो जाएगी विपक्ष के वकील की, तो कल शाम तक इसमें फैसला आने की उम्मीद है, और अगर कल किसी भी वजह से इसमें फैसला नहीं आ पाता है तो 19 तारीख यानी परसों इस मामले में फैसला आना लगभग पूरी तरीके से निश्चित होगा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि कल जो डिस्कशन होगी और उसके बाद परसों जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में हो, ऐसी दुआ आप लोग करिए। और साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और भी बताना चाहता हूं कि कल 18 जून को थाने सेशंस कोर्ट में भी रेगुलर बेल पे सुनवाई है, डिफ़ॉल्ट बेल नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, और इसमें काशी मीरा वाला मामला और नेरुल वाला मामला, इन दोनों मामलों को लेकर के रेगुलर बेल पटिशन डाली गई है जिस पे कल आर्गुमेंट होगा, और कल जो भी समाचार रहेगा थाना सेशंस कोर्ट का उस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। तो साथियों, दूसरी बात और तीसरी की इन्फॉर्मेशन ये है कि 24 तारीख को ही हैदराबाद हाई कोर्ट में भी SFIU वाले मामले की आर्ग्यूमेंट है, और 24 तारीख को ही बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस बात की सुनवाई होगी। तो साथियों, इस समय कोर्ट्स की जो डेट है वो फटाफट मिल रही है, तेज़ी से मिल रही है। आप लोगों के दिल में जो बेचैनी है वो बेचैनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब कंटिन्यू डेट्स मिलने लग जाती हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये सारे मामले जल्द से जल्द ख़त्म होने की कगार पे हैं। और साथियों, बस आप सब लोगों से मैं यही इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि ये जो भी फैसले आने वाले हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट होती है, वो अगर कंपनी के पक्ष में आए, और ताकि हम लोगों के चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुस्कान आ सके, और इंशाल्लाह जिस तरीके की अब तक पुराना रिकॉर्ड रहा है वही इतिहास हमेशा दोहराया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। तो साथियों, कल 18 तारीख को भी मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, और परसों जो फैसला आएगा, अगर कल आता है तो कल, और अगर परसों आएगा तो उस फैसले पर मेरी नज़र हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यहीं से लेता हूं विदा, और तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।